दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर होशंगाबाद का एक और नर्मदा घाट हर्बल पार्क घाट। कलेक्ट्रेट के पीछे एक हर्बल पार्क का निर्माण किया गया था, जिसमें बहुत सारे औषधीय पौधे लगाए गए थे। पौधे कितने बचे हैं वो अलग बात है, बांसी बांस दिखाई देते हैं। और यहीं से जो नर्मदा जी का तट है उसे हर्बल पार्क घाट कहा जाता है। हर्बल पार्क घाट से हम नर्मदा जी के दर्शन करेंगे। हालांकि ये घाट थोड़ा सा जोखिम भरा है, क्योंकि यहाँ जल गहरा है और चोर रेता है। चोर रेता मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम जब रेत में पैर रखेंगे जल में तो ये धंसेगी नहीं, किंतु कई जगह धंस जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की यहाँ डूबने से मौत हो चुकी है। तो यहाँ आप कभी आएँ भी तो कभी नहाने के लिए ना आएँ। तो नहाना यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये चेतावनी भी लिखी हुई है। यदि आप नहाते हुए पाए गए तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो हम सिर्फ दर्शन करेंगे माँ नर्मदा के हर्बल पार्क घाट। हर्बल पार्क को सन 2005-2006 में वन विभाग के सहयोग से निर्मित किया गया था। नर्मदा तट पर लगभग 26 एकड़ जमीन में हर्बल पार्क का निर्माण किया गया था। यह है हर्बल पार्क, नर्मदा हर्बल पार्क। इस हर्बल पार्क में कई प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए थे। कुछ उपेक्षा का शिकार हो गए और कुछ अभी भी जीवित हैं। बाहर से जो दिखाई पड़ता है अधिकतर बांस के पेड़ ही दिखाई देते हैं। कुछ वन्य पशु, हिरण, कुछ पक्षी, मोर इत्यादि भी इस हर्बल पार्क में देखने को मिलते हैं। जब हम हर्बल पार्क से नीचे नर्मदा तट की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हमें ज्वाला माँ काली का मंदिर दिखाई देता है। घाट के थोड़ा पहले ही आज हम अपनी कार को खड़ी कर देते हैं और अब आगे नीचे चलते हैं घाट की तरफ। कुछ दुर्घटनाएं होने के बाद यहां इस घाट पर नहाना प्रतिबंधित कर दिया है प्रशासन द्वारा। मां नर्मदा का जो पुल दिखाई दे रहा है यह भोपाल बैतूल को जोड़ता हुआ फोरलेन रोड का नया बना हुआ पुल है। घाट पर रेत की अधिकता होने की वजह से बरसात के बाद इस घाट पर बाड़ी भी लगाई जाती है, जिसमें तरबूज, खरबूज और ककड़ी मुख्य रूप से यहां लगाई जाती है। कैसा लगा हर्बल पार्क घाट? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।